हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह का वूलन फ्लावर आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी कलर का वूल लीजिए जिस कलर का आपको फ्लावर बनाना हो, और एक स्केल हमें चाहिए 12 इंचेस का, वुडन या फिर स्टील का या फिर ग्लास का, कोई भी स्केल आप ले सकते हैं, प्लास्टिक या ग्लास का। तो इस तरह से एक नोट हमें लगा लेना है। उसके बाद फूल को हमें इस तरह से घुमाकर और यहाँ नीचे देखिए एक नोट क्रिएट हो गया है। इस तरह से फूल को हमें स्केल के ऊपर लपेटना है। यहाँ पर देखिए नोट बन रहे हैं साथ साथ में, जो वुल है वो सिक्योर हो जाएगा और लूज नहीं होगा नोट बनाने से। इसी तरह से पूरे स्केल पर हमें इसे लपेटना है, नीचे खिसकाते जाएंगे। तो ये जो है हमने 10 इंचेस में इसको वूल को लपेट लिया है। 12 इंचेस का हमारा स्केल है और 10 इंचेस पे हमने इसे लपेटा है। उसके बाद ये वाइट कलर का सेटिन का रिबन है, आप चाहें तो सेम कलर का भी यूज कर सकते हैं या किसी भी कलर का। यहाँ पर जो है जहाँ पर नोट आया है वहां पर नीचे नीचे ग्लू लगाते हुए हमें इसे इस तरह से चिपकाना है। ये 1/2 इंचेस चौड़ाई का रिबन है। आप स्केल पर जब वूल को लपेटे तो मेक श्योर कि उनके बीच में गैप ना रहे, नहीं तो जब आप इस तरह से ग्लू यहाँ पर लगाएंगे तो वूल जो है वो स्केल के साथ चिपक जाएगा। हमें सिर्फ रिबन चिपकाना है। स्केल के बेस पे, स्केल पर वूल नहीं, ग्लू नहीं लगना चाहिए। एक्स्ट्रा जो रिबन है और थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे, और इसी तरह से जैसे हमने आगे लगाया है पीछे भी हमें रिबन लगाना है। किनारों को अच्छी तरह से सिक्योर कीजिए। जहां फर्स्ट हमने नॉट लगाया है और लास्ट में जहाँ से थ्रेड कट किया है वहाँ पर अच्छे से इसे सिक्योर कर लीजिए, सो दैट ये लूज ना हो, खुले ना। तो रिबन जो है अच्छे से हमने चिपका लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि वूल को धीरे धीरे इस तरह से हमें ऊपर की तरफ खिसकाना है। स्केल से इसे हमें निकालना है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते हुए इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह का एक स्ट्रिप हमारे पास रहता है। उसके बाद किनारों से इस तरह से इसे मोड़ना है और ये नीडल और थ्रेड है, थ्रेड के एंड में हमने नोट लगाया है।
ये जो स्ट्रिप है इसे हमें घुमाते रहना है और साथ साथ में थ्रेड से हम इसे सिक्योर भी करते रहेंगे। इस तरह से इसे सिक्योर भी करते जाना है। एंड में अच्छे से इसे पैक करके नोट लगा के और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेना है। फ्लावर के सेंटर में हम ये पर्ल लगा रहे हैं और कुछ छोटे पर्ल हैं। आप जैसे चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, प्लेन रखना चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं। और अगर पेटल्स की जगह पे आप 4-5 पर्ल्स लगा देते हैं तो उससे भी अच्छा लुक आएगा। तो फ्लावर रेडी है। उसके बाद यहाँ पर जो है पीछे में ये कुछ लीव्स है हमारे पास, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि जो रिबन है उसके आसपास थोड़ा सा ग्लू हमें लगाना है और इसी तरह से लीव को थोड़ा बाहर की साइड रखते हुए चिपका देंगे। अगर आप इन फ्लावर्स को कहीं चिपकाना चाहते हैं तो ऐसे ही रखिए, और अगर आपको पॉट में या फ्लावर वाश में रखना है तो ये जो है टूथपिक है छोटी स्टिक का, आप बड़ी स्टिक यूज कर सकते हैं और उसे इसके सेंटर में इस तरह से घुसाकर फ्लावर्स को आप पॉट में रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।